जय गुरु। आज का आलोचना का टॉपिक है नवान्न भोग। शिष्य ठाकुर जी के लाइफ में कैसे क्या लीला प्रकाश किए थे उसका एक उदाहरण। चलिए आलोचना शुरू करते हैं। किशोरी मोहन के घर में नवान्न भोग का आयोजन था। उनके भक्त कोकन चंद्रा ने किशोरी मोहन से कहा, ठाकुर के प्रति मुझे कभी कभी अविश्वास होता है। आज नवान्न भोग के अवसर में उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। एक भोग श्री श्री हरनाथ के नाम पर लगाया गया और दूसरा भोग श्री श्री ठाकुर के नाम पर लगाया गया। भोग निवेदन करके श्री श्री ठाकुर को बिना बुलाए वो लोग बहुत देर तक इंतजार करते रहे। जानना चाहते थे कि श्री श्री ठाकुर अपने आप आकर निवेदित भोग ग्रहण करते हैं कि नहीं। ठाकुर के निवास स्थान से किशोर मोहन के घर जाने में लगभग 5 मिनट लगता था। कुछ देर बाद श्री श्री ठाकुर किशोर मोहन के घर पहुंचकर बोले, डॉक्टर आज खूब आनंद का दिन है, बहुत बड़ा आयोजन है, कुछ खाने दोगे या नहीं? किशोरी मोहन बोले, खाना क्यों? शिशि ठाकुर क्यों नहीं? किशोर मोहन निवेदित किया हुआ थाली दिखलाकर बोले, तो ये लो खाने बैठ जाओ। शिशि ठाकुर पूछे, यहाँ जो दो दो थाली देख रहा हूँ मैं कौन सा खाऊँगा? किशोर मोहन, जो तुम्हारी इच्छा हो उसी ही खाओ। शिशि ठाकुर बोल रहे, नहीं भाई तुम लोग गुस्सा करोगे। किशोर मोहन बोल रहे, गुस्सा नहीं करूँगा, तुम्हारी जो इच्छा हो उसे ही खाओ। श्री श्री हरनाम के नाम पर जो थाली निवेदित था उसका ढक्कन को खोलकर हंसते हुए बोले, हाँ हाँ इसे नहीं खाऊँगा, तुम लोग गुस्सा करोगे। किशोर मोहन बोले, खाओ खाओ। किंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, उनके लिए जो निवेदित था उसे ही उन्होंने ग्रहण किया। यह देखकर किशोर मोहन एवं कोकन चंद्र अपने आनंदाश्रु रोक नहीं सके। आज का आलोचना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। जय गुरु।